आज 19/2/2024 19 फरवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली के मुख्य सार। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ, मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी बान प्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। शिव बाबा निराकार स्वरूप में है तो बाबा कहे मैं वाणी से परे हूँ, मैं तुम बच्चों को उपराम बनाने आया हूँ। अभी तुम्हारी बान प्रस्थ अवस्था है, माना इस कलयुगी दुनिया से तुम्हें मोहन तोड़ देना है, वैराग्य लाना है। अब वाणी से परे हमारे जो घर है परम धाम शांति धाम, बाबा हमको अपने साथ ले जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट विद्यार्थी किसको कहेंगे, अब उसकी कौन कौन सी निशानी है तो बाबा बताते हैं उत्तर में। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट बाबा का बच्चा वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बाबा के इस ज्ञान को पढ़ता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण हमने कहाँ तक धारण किए। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। अब अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की क्या क्या निशानी बताई बाबा ने, वह अपनी जांच करेंगे कि हमारे अंदर कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं, दैवी गुण हमने कहाँ तक धारण किए, अपना रजिस्टर रखेंगे कि हम आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं, क्रिमिनल ख्याल माना कोई खराब ख्यालात तो किसी के प्रति नहीं चलते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। अपना पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, बाबा कहते हैं अपने आप को देखना है, चेक करना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है कि नहीं। जैसे देवताओं का स्वभाव होता है, जैसे बाबा का, जैसे हमारे बाबा ज्ञान गुणों के सागर हैं, ऐसे क्या हमारा स्वयं बाबा के बच्चों का भी वैसा स्वभाव बना है कि नहीं। दूसरा, अपने मुंह पर अपनी जवान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे हम देवता बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा बाबा कहते हैं गलतियाँ बच्चे किससे करते हैं, मुख से करते हैं। तो क्या करते हैं, किसी को कुछ बोल दिया, कुछ बुरी बात बोल दी, निंदा स्तुति में आ गए तो बाबा के उस पर बहुत अटेंशन रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं। इसीलिए खान पान पर भी बहुत ध्यान देना है, वो खाना है हमें जो हम देवताओं को भोग लगाते हैं। अब देवता को हम क्या क्या भोग नहीं लगा सकते वो हमको चेक करना है और वही भोजन हमको ग्रहण भी करना है। जवान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है, शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। वरदान है परखने की शक्ति द्वारा शिव बाबा को पहचान कर अधिकारी बनने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में है। सबसे पहली विशेषता बाबा के बच्चों की, बाबा को पहचाना, बाबा को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। परखने की शक्ति है, इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। बाबा को पहचान कर मेरा बाबा कहा और बाबा के बरसे के अधिकारी हम बन गए। तो बाबा के सबसे बड़ी बुद्धि की विशेषता है परखने की शक्ति, आप बाबा के बच्चों की है, इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ भाग्य की कैसे रेखा खींच सकते हैं हम, अपना भाग्य कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, यही कलम है। इसीलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो, अपने कर्म अच्छे रखो, कर्म पर टेंशन रखो और जितना चाहे अपने भाग्य की रेखा खींच लो। तो कर्म कैसे रखो, जब बाबा हमें श्रीमत देते हैं, बाबा की श्रीमती हमारे लिए कर्म की रेखा है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्थिर होकर एक मिनट के लिए बैठेंगे, मन को स्थिर करें,
उस परम सत्ता से जुड़े, उस परमात्मा शिव बाबा से योग लगाए, पूरा ध्यान प्रकृति की तरफ केंद्रित, प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा, मैं पवित्रता का फरिश्ता अपने लाइट के इस शरीर के द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुंच के सूक्ष्म बतन में बाबा के पास, जैसे ही मैं फरिश्ता बाबा के पास पहुंचता, ज्ञान रत्नों से मेरा श्रृंगार करते बाबा, बाबा मुझे राज तिलक दे रहे हैं। मीठे बच्चे, सतो प्रधान भव, सतो गुड़ी भव, निर्विकारी भव, अनेक अनेक वरदानों से बाबा मुझे श्रृंगारित करते, बाबा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर, एक शक्ति का प्रवाह मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। दिव्य शांति की अनुभूति करती हुई मैं आत्मा, मेरे रोम रोम से शांति का प्रकाश निकलकर